हाँ जी यहाँ से पढ़ेंगे। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, ठीक है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू जो है, यशोधर बाबू के बेटे को अपना ये संपन्न साला जो है भयंकर, समहाउ भयंकर ओछाट यानी कि ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं कि ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है और कहती है जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, और कहते हो बिगाड़ दिया है। यशोधर बाबू को क्या लगता है कि जो गिरीश है उसने ही उनके बेटे को बिगाड़ दिया है। जब पत्नी ये बात सुनती है तो वो क्या कहती है यशोधर से कि उसने तो आपके बेटे की जिंदगी बना दी है और आप कहते हो कि आपने उसको उसने उसको बिगाड़ दिया है। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया और उनको मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जानने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब बड़े बेटे ने उनके घर में जो गेस्ट आए हुए थे उनसे मिलवाया, सबने उनको हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहा, उन्होंने थैंक यू कहा, ठीक है, और विलायती तरीके से उनका स्वागत किया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, उनकी सोच क्या है कि उनको ये लगता है कि चलो कहीं ना कहीं वैसे मैं देशी हूँ, कुमाऊँ नहीं हूँ, मतलब मैं कुमाऊँ प्रदेश का हूँ, वहां का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे सारे विलायती संस्कार भी आते हैं। और उनकी और दूसरी तरफ वो क्या सोचते हैं कि इंसान को सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना, अपना जो वो हिंदुस्तानी है जो उसकी देशी चीजें हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी परंपराओं को भी नहीं भूलना चाहिए और सीखना सब कुछ चाहिए, ठीक है ना, आना सब कुछ चाहिए, लेकिन ये नहीं कि विलायती संस्कार अपनाने के साथ साथ हम हमारी देश की परंपराएं भी भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि टाई सूट पहनना आना चाहिए तो, लेकिन ये मत भूलो कि धोती कुर्ता हमारी पोशाक है। फिर वो कह रहे हैं कि इन बातों को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी अपनी पत्नी के साथ केक काटे। विलायती परंपरा है केक काटने की कि केक काटा जाता है। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब वो केक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसको इसमें कोई हिचक नहीं हुई, कोई झिझक नहीं हुई। वहीं से उसने अपने पति को भी पुकार लिया कि आप भी आ जाओ। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। वो सोचते हैं कि केक वेक जो है वो क्या कौन काटता है, बच्चे काटते हैं, बड़ों को केक नहीं काटना चाहिए। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। जब यशोधर बाबू ने आनाकानी की तो उसको पकड़ कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा somehow I don't like all this, ठीक है, लेकिन anyway कहकर उन्होंने केक काट ही दिया। पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उसी चीज को अपनाते हुए उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी अनमनी किंतु स्पष्ट छवि कैद कैमरे में कैद कर ली थी और उनकी केक काटते हुए फोटो गिरीश ने ले ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे को केक खिलाए। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने क्या किया, मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। जब यहाँ पर केक खाने में उन्होंने आनाकानी की और क्या जवाब दिया कि इसमें अंडा होता है इससे नहीं खाता, तो उनके घर वालों ने क्या याद दिलाया कि आप एक महीने पहले तो मांस खाते थे, मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर
उनके मुंह में ठूसने की कोशिश की, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, मतलब मैंने संध्या का पूजा पाठ अभी तक नहीं किया है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर आप संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। भाई आप खाएंगे नहीं तो ऐसा करो, आप जाके पहले संध्या का पूजा पाठ कर लो, हम आपके लिए ज्यादा देर नहीं रुक सकते। नहीं नहीं आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड नो फॉर्मेलिटी, ठीक है भाई अपना काम करो, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर के ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे, देखते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम के 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट की 25 मिनट की पूजा तक उन्होंने खींच लिया, मतलब 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट तक किया। और जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधकर ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। उनको पता था मेहमान अभी गए नहीं है और वो मेहमानों के सामने जाना उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो पूजा में क्या कर रहे थे, ज्यादा टाइम लगा रहे थे। जब मेहमानों की आवाजें आती रही उनको कि भाई अभी तक भी मेहमान नहीं गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, पद्मासन लगा लिया और भगवान का ध्यान लगाकर बैठ गए। वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। ध्यान में उनके कौन आ रहा था, भगवान की जगह किशनदा आ रहे थे। फिर यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, यानी गृहस्थ मतलब चाहे उनके परिवार हो, चाहे वो ब्रह्मचारी मतलब अकेले हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, मरते तो जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं है इस दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ, ठीक है। जो हमने नियमों को अपना लिया वो नियम सिर्फ हमारे हैं, हमारे सिद्धांत सिर्फ हमारे अपने हैं, बाकी इस दुनिया में चाहे जो कोई भी हो, कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, ठीक है ना, चाहे परिवार हो, किसी का कोई नहीं है। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ता पहने, कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए। वो उनसे ये पूछना चाहते थे कि आप अकेले क्यों नहीं, क्यों रहे, आपने गृहस्थी घर गृहस्थी क्यों नहीं बसाई, इस बारे में वो उनसे बहुत ज्यादा पूछना चाहते थे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं आपसे विरोध नहीं कर रहा हूँ, इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कि अकेलेपन के हमें क्या फायदे हैं, ठीक है, अकेला व्यक्ति कैसे रह सकता है और उसकी जब मृत्यु होती है तब क्या होता है, और अच्छे से वो उनसे जानना चाहते थे, इसलिए वो उनसे पूछना चाह रहे थे। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे, उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वो चाय कैसी, चाय का मजा कब आता है, जब हम चाय को फूंक मारकर पिए। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे, चाय को पीते हुए मतलब ऐसे आवाज निकालते हुए चाय पीने की है ना, उपदेश देते थे। और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, उनको जहां पर शंका होती थी, संदेह होता था, वो किशनदा से उसके बारे में पूछते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, मुझे मतलब आज भी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही रास्ता मुझे वो आज भी बता पाएंगे, कि वो ये बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। उनके बीवी बच्चे यशोधर बाबू के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे, ठीक है, उपेक्षापूर्ण मतलब किसी की ओर ध्यान न देना, तो उनके बीवी और बच्चे यशोधर बाबू से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे। तो ये पूछना चाह रहे थे कि बच्चे जो मुझसे व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। किशनदा का क्या सिद्धांत था, क्या नियम था कि व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए, परिवार के माया मोह में नहीं फंसना चाहिए।
कैसी बीवी कहाँ के बच्चे, ये सब क्या है माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। किशन दा की क्या सोच थी कि हमें एक टाइम पर आके, एक समय के बाद हम अकेले हो जाते हैं, चाहे हमारा परिवार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे हमारे चार चार पांच पांच बच्चे ही क्यों ना हो। तो वो चाहते थे जब हमें अकेले रहना है, बाद में भी अकेले रहना है, तो हम शुरू से अकेले क्यों ना रहें, क्यों घर परिवार बसाए, क्यों किसी के प्यार में पड़े, क्यों हम इस माया मोह में उलझे। फिर आगे कह रहे हैं कि यशोधर बाबू बात बढ़ाते हुए बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए, उनको डांटते हुए वहां पर आ पहुंची और बोल रही कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, धीरे से पूछा कि मेहमान चले गए क्या। पत्नी ने बताया कि कुछ चले गए और कुछ अभी यहीं पर है। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, आश्वस्त होने पर जब उनको भरोसा हो गया कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए। क्यों आश्वस्त हुए? पहले उनके यहाँ पर आधुनिक मेहमान भी थे, जो अपने आप को मॉडर्न कहते थे। ठीक है, तो मॉडर्न मेहमान भी थे। जब उसको ये भरोसा हो गया कि हाँ, जो हमारे आधुनिक मेहमान थे वो चले गए हैं, अब सिर्फ हमारे परिवार के जो रिश्तेदार हैं वो ही बचे हैं, तो ये सोचकर जो उन्होंने पूजा में गमछा पहन रखा था उसे पहनकर ही वो बैठक में आ गए, जिसको पहनकर मतलब वो संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ है। गमछा पहनना भी उन्होंने किशनदा से ही सीखा था। और यशोधर बाबू जो गमछा पहनते थे उसके खिलाफ उनके बच्चे थे। एवरीबडी गो ऑन पार्टी ओवर। ठीक है, यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा कि अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है, ताकि अब फिर भी क्या आपको ये जो है गमछा पहने रखा जा सकता, भाई सब कुछ चले गए, पार्टी खत्म हो गई, तो अब मैं गोया गमछा पहनकर रह सकता हूँ। उनकी बेटी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बाबा यू आर द लिमिट, कि आप मतलब लिमिट जानते ही नहीं है कि किस लिमिट में मुझे रहना है किसमें नहीं रहना है। अब वो कह रहे कि बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे, सज मतलब आराम। वो कह रहे कि हमको जिससे आराम मिलेगा हम वही काम करेंगे। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज नहीं आती। ठीक है, तुम्हारी तरह जींस पहनकर तो हमको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। तो तुम ये चाहती हो कि मैं जींस वगैरह पहनूं, ये तो हो नहीं सकता, मुझे तो गमछे में आराम मिलता है तो मैं वही पहनूंगा। आगे कह रहे हैं कि यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेट्स पर पड़ी, वहां पर कुछ पैकेट पड़े थे उस पर पड़ी। बोले ये कौन भूले जा रहा है, पैकेट किसके है, कौन भूल गया। भूषण बोला ये आपके लिए प्रेजेंट है, इसको फोल्ड कर देखिए। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है ये प्रेजेंट प्रेजेंट। बोल के क्या है, उम्र अंतर में मेरे बुढ़ापे की आ गई है और तुम मुझे प्रेजेंट प्रेजेंट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। फिर बोल तुम इसको खोल लो, तुम ही इसका इस्तेमाल करो, कहकर वो शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए ही लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा फुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी ने क्या लाके दिया उसको, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ठीक है, क्योंकि उसके जो पापा थे वो क्या करते थे, फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते थे। तो कह रहे कि आप ये फटा हुआ मत पहन के जाया करो, ये नया वाला ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन के जाया करो। अब बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर पहले पाजामा कुर्ता पहनो, फिर उसके ऊपर ऊनी गाउन पहनो। थोड़ा सा नानुच करने के बाद, मतलब थोड़ी सी नानुकर करने के बाद, यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष, शेष मतलब फीता, उसको कसते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, तो कह रहे अच्छा तो इसे कहते हैं ऊनी ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई, आंखों के कोरों में थोड़ा सा आंसू पानी आ गया। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूंगा। ठीक है, क्या चाहते थे यशोधर बाबू, कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम मेरे
बच्चे करे, बच्चे ने उसको यशोधर को पटे गाउन की जगह नया गाउन तो लाकर दे दिया गिफ्ट में, प्रेजेंट में, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी इच्छा उनको कब अच्छा लगता, उस ऊनी ड्रेसिंग गाउन के बदले, यदि उनका बेटा उनको ये कहता कि आप दूध लेने मत जाया करो, आपकी जगह मैं चला जाया करूंगा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। उसके बेटे ने, भूषण ने ये बात नहीं की, बल्कि क्या किया, उसको ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाकर दे दिया। तो ये बात उसके मन में कहीं पर चुभ गई, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किशनदा उतर आया, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई, ठीक है। यहाँ पर जो लेखक है मनोहर श्याम जोशी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु क्या है, एक सत्य है, इसका कारण क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, मृत्यु किस कारण से हुई इस बात का जो रहस्य है वो कोई नहीं जान सकता। इस तथ्य को लेखक ने यशोधर बाबू के माध्यम से उजागर किया है, हम सबको बताया है। बच्चों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ठीक है, और पत्नी जो थी उनकी, वो अपनी ममता के कारण अपने बच्चों की हर सही और गलत बात में उनका समर्थन करती थी, ठीक है, क्योंकि क्यों, उसको गलत भी लगता तो उसकी ममता थी, वो ममता की वशीभूत थी, ठीक है, अपने बच्चों से प्यार करती थी, इसलिए चाहे वो सही बोलते थे चाहे वो गलत बोलते थे, वो हर बात में उनका समर्थन करती थी। तो अपने बच्चों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखकर और पत्नी की अपने बच्चों की हर सही गलत में उसका हाँ में हाँ मिलाना, समर्थन करना, ये सब कारण सोचकर यशोधर बाबू ने ये सोच लिया कि जैसे किशनदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई थी, तो मेरी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही होगी। आ गई बात समझ में, क्यों होगी, ऐसा क्यों सोचा किशनदा ने, सॉरी, ऐसा क्यों सोचा यशोधर बाबू ने कि मेरी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही होगी, क्यों सोचा, अभी बताया मैंने, जस्ट तथा बोलो। जिसका कोई सत्य नहीं जानता, लेकिन ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु भी जो हुआ होगा से होगी। भाई किशनदा तो क्या थे, ब्रह्मचारी थे, अकेले थे, मान लिया कि उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हो गई, ठीक है, उनके पास कोई नहीं था मृत्यु के समय, लेकिन किशनदा के तो परिवार है, उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मैम उनके परिवार हाँ, उनके परिवार वाले उनको समझ नहीं पा रहे उनकी, और उनका व्यवहार उनके प्रति उपेक्षापूर्ण है, ठीक है, वो अपने जो उनके पिता है यशोधर बाबू की, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी बातों की और वो ध्यान नहीं देते। आई बात समझ में, क्या इस पाठ में ऐसा कोई प्रसंग आया है जिसमें हमें ये पता चला है कि बच्चों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बात की उपेक्षा की, ऐसा कोई प्रसंग आया है, कोई बता सकता है, आया है तो, किसी को याद है, है किसी को याद? मैं वो दूध वाला था हाँ ना, हाँ वो दूध वाला था, कि वो इतना काम करते थे, वहां से सब्जी लाते थे, दूध लाते थे, राशन लाते थे, ठीक है, वो चाहते क्या थे कि बेटे मुझसे कहे कि ये काम हम करें, बेटों ने नहीं कहा तो यशोधर बाबू ने खुद ने उस प्रस्ताव को उनको कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मेरा काम अब तुम करो, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, तू कर तू कर, आपस में तू कर एक दूसरे पर डालने लगे, और घर में क्या हुआ, कोहराम मच गया, शोर मच गया था। तो फिर यशोधर बाबू ने क्या किया, वो सोचा कि मान लिया उन्होंने कि मेरे बच्चे मेरा काम नहीं करेंगे, ये मुझे ही करना है, फिर उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा काम करो। आई बात समझ में, ऐसे ही जैसे सिल्वर वेडिंग उनकी थी, तो बच्चे उनके पार्टी मना रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी यशोधर बाबू से नहीं पूछा कि हम ये ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, जबकि उनका पूछना वाजिब था। अपनी माँ को तो उन्होंने साथ में लिया, ठीक है, क्योंकि माँ तो वहीं पर मौजूद थी, लेकिन यशोधर बाबू को वहां पर नहीं पता था कि क्या होने वाला है, वहां पर आज क्या होने वाला है, वो तो चले गए थे वहां पर, ठीक है ना, तब पता चला उनको कि भाई हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। आई ना बात समझ में, तो इस पाठ से हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चों ने उनकी जो उपेक्षा की है, उससे उनके मन में ये चीज बैठ गई है कि जैसे किशनदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई है, वैसे ही भी मेरी मृत्यु होनी है, ठीक है। चलिए बेटा, अब अपन जो अपनी ऑनलाइन क्लास आएगी परसों,
सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कल का काम जो मैंने भेजा वो इस चैप्टर का सब लोग कंप्लीट कर लेना कॉपी में। ओके, बाय सबको।